जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 6 अप्रैल 2023 की रनिंग समाप्त हो चुकी है और आज की अपडेट क्या है, कितने लोग पास हुए, कितने लोग फेल हुए और सभी क्वालिफाई कैंडिडेट का लिस्ट, और आज भी मतलब अब तक कितने पास हुए और गर्मी में भी रिकॉर्ड कायम है, तो आज कितने लोग पास हुए, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। और दोस्त, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन भी आपको दिख ही रहा होगा, दबा देना है, और घंटे के निशान को भी दबा देना है। लाइक की तो कोई बात नहीं, लाइक आप लोग दबा कर करते हैं, ठीक है। और कोई भी दिक्कत समस्या हो तो आप नीचे कमेंट एक बार ज़रूर करिएगा। देखिए, इंटरव्यू कितने बजे हो रहा है और सबसे ज़्यादा लोगों का पोस्टन जिनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ, स्टेशन पर कैसे जाएँ, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट। देखिए दोस्त, आज जो लिस्ट प्राप्त हुई है यहाँ पर ऊपर का जिसने भेजा है क्रॉप कर दिया है, यानी कि आज की डेट नहीं डली गई है। लेकिन आपको ज़्यादा दिक्कत लेने की बात नहीं है, जैसे यह पीडीएफ आया हम आपके लिए वीडियो बनाने लगे। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद और भी जो दोस्त वहाँ पर रुके हैं टेलीग्राम पे भेजते हैं, अभी मतलब पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी जो डेट लिखा है वह भी, तो इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड, ठीक है, आप टेलीग्राम पर @ लगा के कन्हैया जीएस वर्ल्ड सर्च कर लीजिएगा, वहां पर भी पीडीएफ आपको पूरी तरीके से मिल जाएगा। बाकी यहां पर आप लोग रोल नंबर मिलाते चलिए, यह आप मिलाते चलिए। यदि आपने आज एग्ज़ाम दिया है और क्वालिफाई है तो नीचे एक बार दोस्त कमेंट ज़रूर करना है। एक से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और आप यहाँ पर मिलाते हुए चलिएगा, हम धीरे धीरे स्क्रॉल करते हुए ऊपर चल रहे हैं, आप रोक रोक कर भी मिला सकते हैं। पहले लिस्ट में 45 लोग, पहले यहाँ पर रोल नंबर लिखा है, बाकी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है, उसके बाद यहाँ पर क्वालिफाई लिखा है। जो लोग क्वालिफाई हैं केवल उन्हीं लोगों का यहाँ पर इसमें नाम आया है। और दूसरे वाले पेज में यहाँ पर 46 और उसके बाद का आप देख सकते हैं, और भी जूम कर देते हैं, आप यहाँ पर अपना मिलाते हुए चलिएगा और नीचे एक बार ज़रूर कमेंट कर देना है कि आप क्वालिफाई हो गए हैं और कितने मार्क्स हैं, इसको भी आप शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। और आज इंट्री की बात करें तो इंट्री आज काफ़ी पहले हो गई है, तो उसके बारे में भी आज हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। 95 हुआ था यहाँ, 96 के बाद यहाँ पर आप देखते हुए चलिएगा, 96, 97, 99 तक, यानी कि पूरा आप यहाँ पर देखते चलिएगा, टोटल आज कितने लोग पास हुए हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तीसरी पीडीएफ में 145 लोग मिल चुके हैं और यहाँ पर चौथी पीडीएफ की बात करें तो यहाँ पर हम लोग जब देखेंगे 146 के बाद आप यहाँ पर मिलाते हुए चलिएगा, 46 के बाद यहाँ पर है, और यहाँ पर जब हम देखेंगे तो 192 कैंडिडेट, यानी कि 192 लोग यहाँ पर आज की डेट में यानी कि 6 अप्रैल की डेट में पास हो चुके हैं। और इसकी पीडीएफ भी आपको अभी @ लगा कि कन्हैया जीएस वर्ल्ड टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगी, डेट वाइज मिल जाएगी, बाकी लिस्ट यही है, आप अपना रोल नंबर भी मिला सकते हैं। बात करते हैं अन्य दिन कितने लोग पास हुए, तो 22 तारीख की डेट में आप देख लीजिएगा 146 लोग पास हुए, और 23 तारीख की डेट में 176 लोग, और यहाँ पर 24 तारीख की डेट में 186, और 25 तारीख को हुए तो सबसे हाईएस्ट 195, और यहाँ पर जब हम 26 को देखेंगे तो हुआ ही नहीं था एग्ज़ाम, 27 को देखेंगे तो यहाँ पर 185 लोग, और 28 की डेट में भी 185 लोग, ठीक है। और यहाँ पर 29 तारीख में हुआ था, हाँ ठीक है, 29 तारीख में पास हुए थे 171 लोग, और 30 को संडे था, और 31 की बात करें तो यहाँ पर पास हुए थे 195 लोग, एक आंकड़े को ऊपर जो हुआ फिर दोहरा दिए थे, और फिर 1 तारीख को यानी जिस दिन हमारा था वहाँ पर 171 लोग पास हुए थे, और 3 तारीख की डेट में बात करें तो 167 लोग पास हुए थे, और 5 तारीख में 180 लोग पास हुए थे, और 6 तारीख यानी आज की डेट में 192 लोग पास हुए हैं। अब टोटल कितने हुए तो एक बार अपनी आप लोग मैथ यहाँ पर लगा लीजिएगा, लगभग 2150 के आसपास बैठेगा, एक बार आप जोड़ करके कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। अब बाकी यहाँ पर जो आप लोगों का क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करते हैं। देखिए, जिनको अभी तक नहीं पता कितना वजन लेकर के दौड़ना है, तो शायद ही कोई और जिसको नहीं पता है, 25 किलोमीटर की रेस आपको पूरी करनी है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 10 किलोग्राम का वजन लेकर। एक कुछ इस प्रकार से रोड ग्राउंड है आपकी, यहाँ पर टोटल 11 चक्कर मारने हैं और 12वें चक्कर में मात्र 800 मीटर दूरी तय करना है पुरुष के लिए, लेकिन फीमेल के लिए यही आंकड़ा थोड़ा सा चेंज हो जाता है, महिलाओं के लिए चेंज हो जाता है। इनको टोटल 2200 मीटर का ग्राउंड है, 6 चक्कर लगाना है और 7वें चक्कर में मात्र 800 मीटर की दूरी तय करनी है बिना किसी वजन के साथ। अब देखिए, यहाँ पर उपस्थिति की बात करें तो हमने बता ही दिया, आज टोटल उपस्थिति 230 उसके लगभग यहाँ पर उपस्थिति थी। गर्ल की यहाँ पर एग्जैक्ट आंकड़ा आज भी नहीं मिल पाया है, जो
पुरुष अभ्यर्थी या फिर गर्ल अभ्यर्थी यानी कि फीमेल जिन्होंने आज एग्ज़ाम दिया उनका क्वालिफाई हो गया या फिर जिन्होंने आज दिया है, आज बताइएगा एग्जैक्ट कितनी लड़कियाँ थीं। तो हमें जहाँ तक जानकारी मिली है 15 के लगभग थी यहाँ पर आज की डेट में। और यहाँ पर कितनी फेल हुई हैं इसके बारे में भी कमेंट करिएगा, और जिनको जानना है वह नीचे कमेंट पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आज की डेट में कितनी पास हुई कितनी फीमेल फेल हुई उसके बारे में एग्जैक्ट कमेंट करते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर तो जाते नहीं हैं, जो लोग बताते हैं वही हम आपको बता देते हैं। तो टोटल आप यहाँ पर कमेंट देख लीजिएगा और जिनका हुआ है कमेंट भी कर देना है। एक सर्विसमैन की बात करें तो लगभग 2 के लगभग डेली के डेली आ रहे हैं, और जिस दिन हमारा हुआ था उस दिन भी 2 आए थे, और एक तो मतलब क्वालिफाई हुए थे, दूसरे का पता नहीं, ठीक, शायद वो अभी हो गए थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो गए। और यहाँ पर देखिए बात करते हैं हाइट की, हाइट में थोड़ी भी रियायत नहीं दे जा रही है, 0.5 यदि आपका थोड़ा सा भी कम है तो यहाँ पर पूरी तरीके से आपको बाहर कर दिया जा रहा है। वेट में महिलाओं की वेट की बात करें, यहाँ पर फीमेल एक बार देख लीजिए, गर्ल के लिए एक फ़ायदा है, यहाँ पर जितना भी आपका वेट है उससे 2 या 3 किलोग्राम आपका जो वहाँ पर तराजू यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक काटा है कम ही बता रहा है, ऐसा लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। तो ओवरवेट जो 2-3 किलो हैं वह ज़्यादा चिंता न करें। और चेस्ट की बात करें, चेस्ट में आपकी कोई दिक्कत नहीं, कई बार फुलाइए और नहीं होता है तब भी दौड़वा देते हैं। वचन पत्र और अंडरटेकिंग जो है वह आपको वहीं पर मिलेगा, उस पर एक मतलब अपना नाम भर करके नीचे सिग्नेचर कर देना है कि कोई दिक्कत हो तो उसके ज़िम्मेदार हम स्वयं होंगे। उसके अलावा भी एक फॉर्म मिल रहा है, उस पर आपका फ़ोटो चिपकाया जाएगा और रोल नंबर, हाइट वगैरह, डिस्क्वालीफाई सब चीज़ उसी में लिखा जाएगा। इसके अलावा 2 फ़ोटो भी ले लेना है, अभी बात करेंगे। बैग कैसा मिला है तो बैग बहुत ही ज़बरदस्त है, टूटने का नाम नहीं लेगा, मजबूत है। घड़ी आप कैसी भी घड़ी ले जा सकते हैं, हालांकि अलाउ किया गया है केवल सुई वाली, लेकिन कैसी भी ले जा सकते हैं, वहां पर ले जाए जाने का मौका मिल रहा है। मोबाइल नहीं ले जाना है। राउंड कैसे याद रखें, हम बार बार हर बार बता रहे हैं कि आप अपने हाथ पर 1 से लेकर 12 तक अंक लिख लीजिएगा, जैसे ही एक एक राउंड कम्प्लीट हो काटते जाइएगा, या 10-12 बादाम अपने पैंट की थैली में, लोअर की थैली में रख लीजिएगा, उसको गिन गिन करके हर एक राउंड में खा लेना है। पानी की व्यवस्था तो मान लीजिए यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट में आपके पैरों में यहाँ पर चिप लगेगी, यहाँ से स्टार्टिंग हो जाएगी, और यह टोटल पूरा चक्कर जो है कितना मीटर का है, 2200 मीटर का है, और यहाँ पर 800 मीटर पर एक अंतिम पॉइंट है, तो अंत में केवल 800 मीटर ही जाना है, बाकी हर एक चक्कर 2200 मीटर का है। इस प्रकार से 11 चक्कर पुरुषों के लिए और 12वें चक्कर में 800 मीटर की दूरी तय करनी है। जितना हमें गोला दिखाया है उतना ही जगह पे पानी की व्यवस्था है, पानी के साथ पानी, इलेक्ट्रॉल और यहाँ पर ग्लूकॉन डी, 3 चीज़ का ऑप्शन आपको मेज पर निकाल के रखा रहेगा, आप कोई भी उठाइए पीजिए और दौड़ते रहिए, यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। रिजर्व डेट की बात करें तो देखिए रिजर्व डेट दिया गया है, लेकिन यह जो कुछ लोगों को यहाँ पर रिजर्व डेट के दिन बुलाया जा रहा है, बाकी जिनका एग्ज़ाम है, कई लोगों ने यहाँ पर बताया जिनका कोई दिक्कत आ गया पैर में, वह पहले ही बोर्ड जाकर के अपना डेट को आगे बढ़वा लें, यानी रिजर्व डेट के दिन आने के लिए आवेदन पत्र दे दें, अन्यथा बिना सूचित किए यदि आप रिजर्व डेट में जाते हैं तो आपको वहाँ पर दौड़ने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो पहले जिनको भी जाना है ऐसा कर लें, क्योंकि ऐसा 2-3 लोगों ने बताया है कि हमने कुछ कारणवश था तो हमने रिजर्व डेट के लिए अपना मतलब वहाँ पर जा करके आयोग में बताया है, तो आप ऐसा कर लीजिएगा। बाकी देखिए आज 6 की डेट में हो गया, बाकी 7 को कोई रनिंग नहीं है, 8 को है रनिंग, 9 को, 8 को रनिंग है जिसका 20 तारीख की डेट में और 21 तारीख की डेट में बारिश की वजह से छूट गया था, तो 20 तारीख वालों को 8 तारीख के और 21 तारीख वालों को जिनका छूटा था, 9 को यहाँ पर फिजिकल है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एंट्री कितने बजे और कब हो रही है, तो देखिए दोस्त एंट्री की बात करें तो एंट्री आज के डेट में पहले ही हो गई है, जैसा कि यहाँ पर लोगों ने बताया है, पता चला है कि एंट्री और सुबह ही हो गई है, मान चलिए यहाँ पर एंट्री 5 बजे के लगभग एंट्री आज शुरू हो गई है, और रनिंग 6:40 के लगभग में पहला बैच छोड़ दिया है इन्होंने। स्टेशन पर कैसे जाएं, तो चारबाग स्टेशन पर जाने के बाद आप रेल से भी जा, मेट्रो से भी जा सकते हैं, और बस भी जाती है और ऑटो भी जाती है। तो ऑटो जाता है तो एक आध जगह मुंशी पुलिया, टेढ़ी पुलिया नामक जगह है, वहाँ पर एक आध बार आपको सवारी चेंज भी करनी पड़ सकती है, या फिर डायरेक्ट जा सकते हैं, बाकी बस डायरेक्ट जाती है, मेट्रो से भी आप जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर रनिंग कैसे करें तो हमने आपको बता ही दिया, यहाँ पर आपको बैठाया जाएगा, बाकी यहाँ पर यहीं से शुरू होगी रनिंग और आपको टोटल रोड के चक्कर मारने हैं। तो रनिंग कैसे करें तो एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, जैसे क्या है 2200 मीटर का राउंड है, ठीक है, तो 2200 मीटर आप यदि पैदल चलेंगे तब भी नहीं होगा, 2200 मीटर दौड़ेंगे
तो पूरे दौड़ में ही बैठ जाएंगे। 2200 मीटर लगातार हर एक चक्कर में नहीं दौड़ा जा सकता, तो 2200 मीटर का राउंड है। तो जैसा हमने किया था, तो देखिए यहाँ पर आप हर एक चक्कर में 800 से लेकर के 900 मीटर दौड़िए, लेकिन लगातार नहीं दौड़ना है। देखिए थोड़ी दूर पैदल चलिए, फिर 400 मीटर की रनिंग मार लीजिए, फिर थोड़ी दूर पैदल चलिए, फिर 400 मीटर की रनिंग मार लीजिए या 500 मीटर की रनिंग मार लीजिए। कुल मिला जुला करके 2200 मीटर का एक राउंड में आपको 800 मीटर लगभग दौड़ना है धीरे धीरे। इसी प्रकार से हर एक राउंड में करना है, बाकी 7वें 8वें तक ऐसा करिएगा। उसके बाद पैदल भी चलेंगे तो आराम से पूरा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी आप टाइम भी देखते रहिएगा, उस हिसाब से भी आप अपना दौड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अभी इसकी PDF हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप टेलीग्राम चैनल कन्हैया GS वर्ल्ड को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे भी मिल जाएगा। कोई भी और दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।